गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो रोहिणी साउंडिंग रॉकेट है, ये अपनी जो 200th फ्लाइट है उसको कंप्लीट करने वाला है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो उसी के बारे में होगी। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है प्री है आपका, उसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ जो है न्यूज़ में क्या है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स जो हैं वो न्यूज़ में क्यों है। द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्लानिंग द 200th सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रोहिणी RH-200। रोहिणी RH-200 जो है उसका 200th जो सक्सेसफुल लॉन्च है वो जो आपका जो इसरो है वो करने जा रही है। अभी तक जो है इसने 198 कंजेक्टिव सक्सेसफुल फ्लाइट्स जो है वो कंडक्ट करवा चुका है आपका इसरो, और जो 199th जो लॉन्च होगा वो होगा अक्टूबर 2022 में, मतलब इसी मंथ होगा। और ड्यूरिंग द वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है, 4 से 10 अक्टूबर के बीच में ये जो है आपका ये 199th जो लॉन्च है वो किया जाएगा, और उसके बाद जो 200th लॉन्च है वो नवंबर की शुरुआत में किया जाएगा, या फिर अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर की शुरुआत में जो 200th आपका जो लॉन्च है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट का वो किया जाएगा। तो उसी के साथ ये अपनी जो 200 सक्सेसफुल फ्लाइट्स जो है वो कंप्लीट कर लेगा। अब देखते हैं कि ये जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। ये जो रोहिणी RH है ये एक सीरीज है साउंडिंग रॉकेट की, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है, कंप्लीटली इंडिजीनियस है। तो ये साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स आर वन और टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स। ये या तो एक स्टेज के होते हैं या दो स्टेज में जो इसका प्रोपेलेंट होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं ये, और या तो ये वन स्टेज के होते हैं या टू स्टेजेस के होते हैं। यूज्ड फॉर प्रॉबिंग द अपर एटमोस्फेरिक रीजन। जो अपर एटमोस्फेरिक रीजन है मतलब 40 किलोमीटर के ऊपर का रीजन है, उसके ऊपर जो रिसर्च वर्क करने के लिए या स्पेस रिसर्च करने के लिए इनको यूज किया जाता है, और इसी वजह से इनको रिसर्च रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, साउंडिंग रॉकेट्स टेक देयर नेम फ्रॉम द नॉटिकल टर्म्स टू साउंड विच मीन टू टेक मेजरमेंट्स। दे आर ऑल्सो सर्व एज इजिली अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म्स टू टेस्ट और टू प्रूव प्रोटोटाइप्स ऑफ न्यू कॉम्पोनेंट्स और सब सिस्टम इंटेंडेड टू यूज इन लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट्स। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई न्यू कंपोनेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है आपका किसी लॉन्च व्हीकल में या सैटेलाइट में, तो उसको जो है ये जो आपके साउंडिंग रॉकेट्स जो हैं ये एज ए प्रोटोटाइप जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज को आपका जो स्पेस है वहां तक लेके जाते हैं, तो वहां पे उसका चेक किया जाता है कि ये जो आपका ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो बिल्कुल नया है, या फिर कोई सब सिस्टम है जिसको हम आगे जाके हमारे लॉन्च व्हीकल में यूज कर सकते हैं या किसी सैटेलाइट में यूज कर सकते हैं, तो वो जो आपका जो स्पेस का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे वो किस तरीके से बिहेव करेगा और वहां पे क्या वो सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, ये हम चेक करते हैं साउंडिंग रॉकेट की मदद से ही। अब देखते हैं साउंडिंग रॉकेट्स की हिस्ट्री देखते हैं। द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, टर्ल्स जिसको कहते हैं, थुम्बा आपका तिरुवंतपुरम के पास में है जगह, वॉज एस्टेब्लिश इन 21 नवंबर 1963, ठीक है। ये जो लॉन्चिंग स्टेशन था ये 21 नवंबर 1963 को जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इट्स सदर्न टिप इज क्लोज टू अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर। द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट द अमेरिकन नाइक अपाचे फ्रॉम थम्बा इन 1963 मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो यहां से जो है हमारा इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो शुरू हो जाता है 1963 में, जब ये जो आपका थुम्बा स्पेस स्टेशन जो है या लॉन्चिंग स्टेशन जो है, इसमें से ये जो अपाचे नाइक अमेरिकन नाइक अपाचे जो है इसको ये रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो उसी के लॉन्च के साथ हमारा जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है वो अपनी जो है शुरुआत कर लेता है। उसके अलावा इसरो बिगैन विद द लॉन्च ऑफ इंडिजीनियसली बिल्ड साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम 1965। तो 1965 में हम क्या करते हैं, एक इंडिजीनियसली बिल्ड साउंडिंग रॉकेट जो है जिसका नाम था रोहिणी RH-75, इसको हम लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो एक और लॉन्च किया जाता है 1967 में। उसके बाद 1975 में
ऑल साउंडिंग रॉकेट एक्टिविटीज वर क्लस्टर्ड अंडर द रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम। ठीक है, फिर इन सबको जो भी साउंडिंग रॉकेट की जो जितनी भी एक्टिविटीज थी या जितने भी लॉन्च वगैरह जो थे उनको एक प्रोग्राम के तहत इकट्ठा कर दिया जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम, RSR प्रोग्राम। द सीरीज ऑफ साउंडिंग रॉकेट्स आर कॉल्ड रोहिणी सीरीज विद। अब रोहिणी सीरीज में कौन कौन से रॉकेट्स आते हैं? एक आता है RH-200, RH-300 एंड RH-560। ये जो नंबर्स जो है ये डिफाइन करते हैं कि उनका जो है, मान लो ये जो RH-200 है ना, तो ये जो रॉकेट होगा उसका जो डायमीटर होगा वो 200 mm होगा। ठीक है, 200 mm का उसका डायमीटर होगा, तो ये जो नंबर्स होते हैं उसका डायमीटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो RH है 300 है उसका डायमीटर 300 होगा, देन 560 वाले का 560 mm होगा डायमीटर। उसके बाद देखते हैं RS-200 के बारे में। RS-200 इज अ टू स्टेज रॉकेट कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग टू हाइट अप टू 70 किलोमीटर बेयरिंग साइंटिफिक पेलोड। साइंटिफिक पेलोड को लेके ये ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर तक की हाइट को जो है वो रीच कर सकता है। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ RS-200 आर पावर्ड बाय सॉलिड मोटर्स। फॉर ईयर्स द RS-200 रॉकेट हैज सक्सेसफुली हैज हैड यूज पॉलीविनाइल क्लोराइड बेस्ड प्रोपेलेंट। अब देखते हैं साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में। द फर्स्ट RH-200 टू यूज न्यू प्रोपेलेंट बेस्ड ऑन हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेडाइन वाज सक्सेसफुली फ्लोन फ्रॉम टर्स इन सितंबर 2020। ठीक है, तो ये जो पहला RH-200 था जिसमें जो नया प्रोपेलेंट जो था यूज किया गया था HTPB, उसको जो है ये यहीं पे ये जो थुम्बा जो आपका लॉन्चिंग स्टेशन है उसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में। एज कंपेयर टू PVC बेस्ड प्रोपेलेंट, पहले PVC बेस्ड प्रोपेलेंट यूज किए जाते थे, उसके बाद HTPB बेस्ड प्रोपेलेंट जो है उनको यूज किया जाने लगा क्योंकि वो ज्यादा एनर्जेटिक थे, उनका जो मैकेनिकल और जो उनकी जो इंटरफेस प्रॉपर्टीज थी वो कंपेयर टू PVC वो ज्यादा बेटर थी एंड हैज लेस डिफेक्ट्स, और उसमें जो डिफेक्ट्स थे कम थे ड्यू टू लोअर प्रोसेसिंग टेम्परेचर। द 200 इन द नेम डोनेट्स द डायमीटर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये जो नंबर है ये डायमीटर डोनेट करता है, डिनोट करता है। उसके अलावा ये जो तीनों तरीके के ये जो आपके रोहिणी रॉकेट्स हैं RH-200, RH-300 देन RH-560, इन तीनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो कि कितना पेलोड ये लेके जा सकते हैं। जो 200 है वो 10 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, 300 है वो 60 किलोग्राम तक का, और जो 560 है वो 100 किलोग्राम तक का, और कितनी हाइट तक ये जो है रीच कर सकते हैं। तो जो 200 है वो 80, देन ये 300 160, देन ये RH-560, ये 470 किलोमीटर तक की जो हाइट है उसको, ऑल्टीट्यूड है उसको रीच कर सकता है। और उसके अलावा इनका पर्पस बताया गया और उनका ये जो लॉन्चिंग पैड है ये बताया गया। ठीक है, तो ये जो 300 और 560 है इनको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका पूरा नाम है SDSC SHAR श्रीहरिकोटा। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। आज की क्लास में हमने रोहिणी रॉकेट के बारे में देखा। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उसमें भी इसके जो नोट्स हैं वो सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।